नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, जब आप भोजन में प्रोटीन स्रोत शामिल करना चाहते हैं, तो मांस या मीट आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर आ सकता है। लेकिन जब मीट की बात आती है तो इसे हेल्दी तरीके से पकाना और खाना एक मुश्किल काम बन जाता है। और आज के इस पैकेज में हम आपको कुछ ऐसी ही टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने खाने में मीट को हेल्दी तरीके से शामिल कर सकते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहने के साथ साथ स्वादिष्ट मीट का आनंद भी ले सकें। हमेशा लीन मीट खरीदें। मीट के कुछ खास टुकड़ों में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो इसे पोषक बनाने की मात्रा से अधिक होती है। नॉनवेज में हाई फैट वाले पदार्थों को खाने से आगे चलकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरे के साथ जोड़कर देखा जाता है। नॉनवेज के इन सभी दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमेशा लीन मीट का विकल्प चुनें। लीन मीट में कम फैट होता है। ग्राउंड मीट या कीमा खरीदते वक्त होशियार रहें। ग्राउंड मीट फैट से भरे हुए होते हैं और पोल्ट्री भी ऐसा ही विकल्प है। अगर आप ग्राउंड मीट खरीद रहे हैं तो लीन मीट या टर्की खरीदें। अगर आप पोर्क खरीद रहे हैं तो लेबल पर फैट की मात्रा या परसेंटेज के बारे में जरूर पढ़ें। अपने नॉन वेज में कम नमक मिलाएं। जब आप मीट में मसाले मिलाते हैं तो ज्यादा नमक ना मिलाइए। इसकी बजाय आप हर्ब्स या नींबू जैसे फलों के फल या उनका रस मिला सकते हैं। इससे आपके भोजन को एक विशेष स्वाद मिलता है। और आप जब भी डेली काउंटर से मीट सैंडविच खरीदते हैं तो हमेशा कम सोडियम वाले विकल्प ही चुनें। दोस्तों, खाना पकाने का सही तरीके का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जी हाँ, सही मीट चुनना जरूरी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने भोजन को किस तरह से पका रहे हैं। खाना पकाने के दौरान बहुत कम तेल और मक्खन मिलाएं, और मीट को फ्राई करने की बजाय ग्रिलिंग, रोस्टिंग, उबालने और बेकिंग जैसे तरीकों से ही खाना पकाएं। और लास्ट में सबसे जरूरी बात यह है कि फैट वाले हिस्सों को साफ करें। अगर आप मीट को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फैट हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे चिकन या टर्की को रोस्ट कर रहे हैं तो स्वाद बढ़ाने के लिए जब आप उसकी चमड़ी निकालते हैं, इसके अलावा खाना पकाने के बाद पोर्क और बीफ पर दिखने वाले किसी भी तरह के फैट को हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी फिट रहने के लिए हेल्दी मीट खाना चाहते हैं, तो हमारी बताई हुई इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।